आज हम लोग सीखेंगे, चलो लिमिटिंग रेंज के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रेंज हम किसको बोलते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो लिमिटिंग रेंज उसको बोलते हैं जो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है प्रोसेस में, जाकर प्रोसेस में फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रीजन, ठीक है। जो आपके प्रोसेस में फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा उसको आप बोलोगे लिमिटिंग रीजन, ठीक है। अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग रीजन का, तो उसको पहचानते कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, समझो आप ध्यान से। तो उसके लिए आपके आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक। इस एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया हुआ है तीन प्लांट के बारे में। तीन प्लांट मतलब एक एक आपके कार बनाने का कंपनी आपके पास है, मतलब आप एज ए इंजीनियर अगर बन गए आप लोग तो कार बनाने कंपनी में चले गए, ठीक है। तो कार बनाने कंपनी में तीन अलग अलग प्लांट है, तीन अलग अलग प्लांट है, ठीक। उस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस प्लांट में क्या है, प्लांट P1 है, प्लांट P2 है, प्लांट P3 है, मतलब आपके पास तीन प्लांट दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्लांट P1 जो है, प्लांट P1 में क्या बनता है, व्हील्स, व्हील्स बनता है, पहिया बनता है, व्हील्स, ठीक है। प्लांट P2 बोला गया कि प्लांट P2 में फॉर्म करता है इंजन, ठीक है। और प्लांट P3 है, एक प्लांट P3 बनाता है बॉडी, यानी कार का बॉडी बनाएगा। तो प्लांट P1 क्या होता है, व्हील्स बना रहा है, प्लांट P2 क्या है, प्लांट P2 में इंजन बन रहा है गाड़ी का, ठीक है। और प्लांट P3 में, प्लांट P3 में क्या है, बॉडी बन रहा है, गाड़ी का बॉडी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हर प्लांट का कैपेसिटी आपके पास दिया हुआ, हर प्लांट का आपका कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब पर डे प्लांट कितना चीजों को बना सकता है। तो प्लांट P1 बोला गया है कि आपके पास 1000 व्हील्स, 1000 व्हील्स बनाएगा पर डे, यानी 1000 व्हील्स को ये मैन्युफैक्चर करता है पर डे, ठीक है। तो प्लांट P2 है, वो इंजन बना रहा है, तो बोल रहा है कि इंजन बनाता है 100 पर डे, 100 इंजन बना सकता है, ठीक है। और जो प्लांट P3 है, जो बॉडी बना रहा है, वो बोल रहा है उसमें 150 बॉडी बनेगा पर डे, ये पर डे इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। आपका जो गोल है, आपका गोल है मतलब आपको इंजीनियर बना के भेजा गया प्लांट में, और आपका गोल है टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, यानी मैक्सिमम कार बनाकर आपको निकालना है। तो कार कैसे बनता है, तो प्लांट P1 का व्हील्स, प्लांट P2 का इंजन और प्लांट P3 का बॉडी मिला के आप प्लांट P4 है, प्लांट P4 में क्या होता है, असेंबली करते हो आप, सबको जोड़ते हो, ठीक है। तो प्लांट P4 क्या है, आपका असेंबली यूनिट है, ठीक है। तो इस असेंबली यूनिट में क्या होता है कि आप प्लांट P1, प्लांट P2 एंड प्लांट P3 के चीजों को आप जोड़ के आप कार बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपका अब गोल क्या है, कार को मैक्सिमाइज करना है, कार को मैक्सिमाइज करना है। तो आप ध्यान देना कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें व्हील्स का नंबर क्या है, 1000 व्हील्स पर डे निकल रहा है, इंजन क्या है, इंजन 100 है और बॉडी है 150 पर डे, ये कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो ध्यान देना कि अगर आप देखते हो ना प्रोसेस में, तो आपको पता है कि एक कार बनाने में कितना कितना व्हील सकता है, आपके एक कार बनाने में आपको व्हील्स का नंबर कितना होता है, चलो तो व्हील्स का नंबर होता है कितना, 4, ठीक है। पहिया कितना लगता है, तो पहिया 4 लगेगा, ठीक, यानी व्हील्स का नंबर 4 लगेगा कार बनाने में। सिमिलरली इंजन कितना लगता है एक कार में इंजन एक रहेगा। और कितना बॉडी रहता है कार का, तो बॉडी रहता है आपका एक बॉडी रहता है, ठीक। तो ये अब देखोगे तो अगर आपके पास 100 इंजन होगा तो 100 इंजन से कितना कार बन सकता है, तो 100 से 100 कार बन सकता है, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट देखोगे तो 150 बॉडी से 150 कार बन सकता था, और अगर आपके पास 1000 पहिया है तो उसे कितना कार बन सकता था, उसे कार बन सकता था 250, यानी 4 पहिया से एक कार बन सकता है, तो 1000 पहिया से कितना कार बनेगा, तो 250 कार बन सकता था। तो ये अलग अलग सबका, अगर सबको अलग अलग सोचेंगे तो ये आपका कार बनने का लिमिटेशन दिखेगा, बट आपको चूंकि तीनों को एक साथ प्ले करना है, तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि इंजन का नंबर 100 है तो 100 से आप ज्यादा कार तो बना नहीं सकते हो ना, ऑल्दो बॉडी बॉडी बोल रहा है कि आप 150 कार बना सकते हो, व्हील्स बोल रहा है कि आप 250 कार बना सकते हो, मतलब 250 कार तक बनाने का व्हील्स उसके पास है, ठीक है। बट इंजन चूंकि 100 है, बिना इंजन के कार तो बनेगा नहीं, तो इंजन तो चाहिए होगा। तो अगर 100 इंजन है तो 100 इंजन से आप कितना कार बना सकते हो, 100, तो आप 100 कार बना सकते हो। इंजन अगर 100 है तो उसे 100 से ज्यादा कार थोड़ी बनेगा, तो 100 कार ही बनेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि तीनों प्लांट का जो कैपेसिटी अगर रन करोगे
आपके पास मैक्सिमम कार कितना बन सकता है, तो 100 कार बन सकता है, ठीक। और जब 100 कार बनेगा, जब 100 कार बनेगा, तो आपका इंजन कितना बचेगा, तो इंजन बचेगा 0। इंजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा प्रोसेस में, इंजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और 100 कार के लिए बॉडी कितना चाहिए, तो 1 कार के लिए बॉडी एक चाहिए, तो 100 कार के लिए बॉडी कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो आपका कितना बचेगा, तो बॉडी कितना बचेगा, तो बॉडी बचेगा 50, बॉडी बचेगा आपका, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं, जब 100 कार बन रहा है, तो 100 कार के लिए व्हील्स कितना चाहिए, तो व्हील्स चाहिए 400, क्योंकि एक कार में 4 व्हील्स का यूज होता है, तो 100 कार में कितना व्हील्स का यूज होगा, तो 400 का। तो आपका व्हील्स कितना था, 1000 था, 1000 में से 400 कंज्यूम होगा, 400 कार बनने में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, तो बचेगा आपके पास 600, बचेगा 600। इस प्रोसेस को आप देखोगे तो इस प्रोसेस में कौन सा कंपोनेंट फुल्ली कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें दिख रहा है आपको कि आपका जो इंजन है फुल्ली कंज्यूम हो रहा है, आपका इंजन है फुल्ली कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। यानी आपका इस प्रोसेस का लिमिटिंग रीजन क्या होगा, तो लिमिटिंग रीजन आपका इंजन होगा। इस प्रोसेस में जो इंजन है, इंजन आपके लिए क्या होगा, लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है, इंजन आपका लिमिटिंग की तरह काम करेगा। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे, समझे लिमिटिंग को, ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में समझना है। मतलब तो केमिस्ट्री कोई डिफरेंट नहीं होता है, रियल लाइफ से केमिस्ट्री कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस वहां पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कार और कंपोनेंट्स का बात कर रहे हैं, वहां पर हम बात करेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। केमिस्ट्री में बात किसका करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, तो जितना सिंपल यहाँ पे आपको समझना है, उतना ही सिंपल आपके लिए केमिस्ट्री में समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज समझना है, तो ध्यान देना। अगर इस प्रोसेस में आप देख रहे हो, यहाँ यहाँ जो आप देख रहे थे, तो इसमें ध्यान दोगे आप लोग, आपका जो व्हील्स है, इंजन है और बॉडी है। तो अगर आपको एज ए इंजीनियर बोला जाए कि प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाना है, आपको दिख रहा है ना कि व्हील्स एक्सेस में है, बॉडी एक्सेस में है, कौन जल्दी कंज्यूम खत्म हो जा रहा है, इंजन खत्म हो जा रहा है। तो आप एज ए इंजीनियर क्या करोगे, आप अपना वर्क फोर्स को इंजन वाले प्लांट में डाल दोगे, क्योंकि आपका इंजन का नंबर को बढ़ाना है, क्योंकि आपका व्हील्स और बॉडी क्या है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा था। तो पहले क्या होगा, तो आप इंजन का जब नंबर 150 पहुंचेगा, जब इंजन का नंबर 150 पहुंचेगा, तो बॉडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बॉडी का नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी एज ए इंजीनियर आपका पहला फोकस होगा किस पे, इंजन पे फोकस करना, ठीक है। ये बिगिनिंग का जो क्वेश्चन था हम लोग का कि किस पे हम फोकस करेंगे, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। और आप लोग इस प्रोसेस में आप लोग को भी समझ में आ गया कि लिमिटिंग रीजन किसको बोलेंगे। तो इस एवर प्रोसेस में आपका जो इंजन होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं केमिस्ट्री में, और आपके सामने एक्सटेंड में करता हूँ केमिस्ट्री में, तो ध्यान दोगे तो इसे ऊपर वाले प्रोसेस को एक इक्वेशन से लिख के दिखाया हुआ है, एक इक्वेशन से लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, तो ध्यान देना, आपका चार चार व्हील्स, 4 व्हील्स, एक इंजन, एक बॉडी मिलके कार बनता है, उसका नंबर ऊपर लिखा गया है, जो नंबर मेरे पास था ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। 150 बॉडी था, 100 कार था, और 1000 क्या था, आपके पास व्हील्स था, ठीक है। इस प्रोसेस में लिमिटिंग पता करने का सिंपल तरीका हो गया। अब देखो, अगर आपको लिमिटिंग पता करना है, लिमिटिंग अगर पता करना है, तो उसके लिए तरीका क्या हो सकता है, तो ध्यान देना, आप क्या करते ना, आपका जो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, आप बैलेंस इक्वेशन जो है, तो यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ आपके पास, तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिकल वर्ल्ड हो, कहीं भी हो, लिमिटिंग रेंज पता करना होगा। तो फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या है, कि पहले आप बैलेंस इक्वेशन को, सबसे पहला काम क्या करोगे, बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन एक रिलेशन दे देगा, एक रिलेशन दे देगा नंबर्स के बीच में, यानी आपस में कंपोनेंट या जो रिएक्टेंट्स है वो कैसे लिंक है, कैसे लिंक है, कैसे नंबर का रिलेशन दे देगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रहा है कि चार पहिया, एक इंजन, एक बॉडी मिलके एक कार बनता है। तो रिलेशन किसके बीच में, नंबर्स बीच में है, नंबर्स, व्हील्स का नंबर, इंजन का नंबर, बॉडी का नंबर और कार का नंबर, ठीक है। अब क्या है, तो पहले एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। अगर आपका कोई गिवन डेटा दिया हुआ है, मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, तो उसको नंबर में चेंज करना, उसको नंबर में चेंज करना। और केमिस्ट्री रहेगा तो केमिस्ट्री में उसको मोल में चेंज करना। तो केमिस्ट्री के लिए नंबर, जो रियल लाइफ में नंबर्स का सिग्निफिकेंस है, वही केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल का सिग्निफिकेंस है। तो आपके पास कुछ गिवन डेटा दिया रहेगा, उसको नंबर में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते कि मेरे पास व्हील से 1000 kg, पहिया मेरे पास 1000 kg है, इंजन है मान लो कि 500 kg है, ठीक है, और बॉडी है मान लो कि 2000 kg है, ठीक है।
और केजी में वेट में दिया रहेगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। आपका पहला टारगेट क्या होगा, कोई भी डेटा को चेंज कर नंबर्स में, क्योंकि आपके पास रिलेशन किस में है, तो बैलेंस इक्वेशन का रिलेशन नंबर्स में दिया हुआ है, तो जो भी डेटा दिया रहेगा आप उसे नंबर्स में चेंज करोगे। बात करेंगे केमिकल रिलेशन का, तो उसको मोल में चेंज करना है, जो भी डेटा दिया होगा उसको मोल्स में या तो नंबर में चेंज करोगे, तभी आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद ध्यान देना, तो पहला स्टेप बैलेंस इक्वेशन, सेकेंड स्टेप जो भी डेटा दिया रहेगा, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको नंबर में चेंज करेंगे, उसको आप लोग नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है, नंबर में। और केमिस्ट्री का बात करते हैं तो उसको किस में चेंज करना है, तो केमिस्ट्री का जब बात करें तो उसको चेंज करना आपको मोल्स में, उसको चेंज करना आपको मोल्स में। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास नंबर दिया हुआ था, यहाँ पर नंबर दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऊपर नंबर तो दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमको कोई जरूरत नहीं पड़ चेंज करने का। यहाँ पे 1000 व्हील्स का नंबर दिया हुआ मेरे को, इंजन का नंबर दिया हुआ 100 दिया हुआ है, और बॉडी का नंबर 150 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके पास। अगर मान ले कि व्हील्स का केजी दिया रहता, इंजन का भी केजी दिया रहता, तो हम लोग उस केजी को नंबर में चेंज करते, उसको नंबर में चेंज करते, बिना नंबर में चेंज के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि जो भी नंबर आप निकाले हो सबका, उसको क्या करना, उसको डिवाइड करना, उसको डिवाइड करना उसके बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट से, उसके बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट डिवाइड करना, डिवाइड मोल और नंबर ऑफ ईच रिएक्टेंट या ईच कंपोनेंट बाय देयर कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ देखो व्हील्स के पास 4 है कोफिशिएंट, इंजन का 1 है और बॉडी का 1 है, और सबका नंबर जो दिया हो वो नीचे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सब सारे नंबर को सर कोरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया, तो यहाँ डिवाइड करके दिखाई हुआ आपको पास। तो डिवीजन का मतलब क्या हो रहा है, इससे डिवाइड करने से आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, देखो व्हील्स का नंबर डिवाइड करने पे क्या 250 मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास जितना व्हील्स अवेलेबल है उसे 250 कार बन सकता है। ठीक है, इंजन का नंबर, इंजन के पास कोफिशिएंट 1 है, उसे अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 निकल के आ रहा है, इसका मतलब जितना भी चीज दिया हुआ है उससे आपका 100 कार बन सकता था। ठीक है, और बॉडी के पास 1 दिया हुआ है, तो 1 को 150 में, 150 को जब 1 से डिवाइड कर दोगे 150 आंसर आएगा, यानी आपके पास जितना बॉडी है उसे 150 कार बन सकता है। ठीक है, आपको दिखेगा ये डाटा बेसिकली, मतलब इसको बोल रहे कि इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद हमको मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है हमको रिलेशन, मिल रहा है कि कितना हम कार मैक्सिमम बना सकते हैं अगर सबको अलग अलग सोचे तो। अगर सिर्फ व्हील्स का सोचे, इंजन को और बॉडी को छोड़ दे, तो 250 कार बन सकता था, इंजन को सिर्फ सोचे तो 100 कार बन सकता है, और बॉडी को सिर्फ सोचे तो 150 कार बन सकता है। अब देखो सबसे सबसे लेस नंबर किससे बनने वाला है, सबसे लेस नंबर दिख रहा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 100 दिख रहा है आपको, तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा ना वही होगा लिमिटिंग डिवीजन। तो इस एक्सरसाइज का बस मोटो होगा, लिमिटिंग पता करने का तरीका क्या क्या है, कि आप क्या करना, बैलेंस इक्वेशन का कोफिशिएंट से उस नंबर्स को डिवाइड कर देना इंडिविजुअली, जिसका आफ्टर डिवीजन जो सबसे नंबर छोटा आएगा उसे कोरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा या रिएक्टेंट होगा उसको लिमिटिंग बोलेंगे। तो सबसे छोटा किसका रहा है, इंजन का रहा है, तो इंजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस एक्सरसाइज का बस मोटो था लिमिटिंग को फाइंड करना, लिमिटिंग को फाइंड करना, तो लिमिटिंग ऐसा पता कर लेंगे हम लोग। तो बस आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा होगा उसको ले लेना, उसे कोरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा उसको आप बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये रहेगा, यही चीज नीचे समझाया हुआ है, ये चीज आपका नीचे समझाया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना नीचे जो लिखा उसको देख लेते हम लोग। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द लिस्ट नंबर कोरिस्पॉन्ड टू लिमिटिंग रिएजेंट, यानी लिस्ट नंबर मतलब जो नीचे डिवीजन के बाद हम बात कर रहे हैं। तो इस डिवीजन का बस मोटो था लिमिटिंग फाइंड करना बस। ठीक है, अब आपको लिमिटिंग पता चल गया, तो लिमिटिंग क्या है, इंजन निकल के आ चुका है, तो लिमिटिंग जो होता है वही प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सिंपल सा बात है, ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो ऊपर इंजन बॉडी और व्हील्स में लिमिटिंग क्या था, इंजन था, तो जितना इंजन बनेगा उतना ही कार बनेगा। आप पहिया को, व्हील्स को और बॉडी को कितना भी बना दो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इंजन 100 है तो कार 100 ही बनेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है सिस्टम का वही प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका इंजन है, तो इंजन ही प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, यानी आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान दे, अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन करने पर। आपको पता है कि एक इंजन अगर यूज करोगे तो आपका आपका कितना कार बनेगा, एक कार बनेगा, तो लिमिटिंग
आपका इंजन था, तो अगर 100 इंजन है तो आपके कार का नंबर क्या होगा, तो कार का नंबर 100 होगा, तो कार का नंबर 100 होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या, बस आप लिमिटिंग का रिलेशन को यूज करो, बाकी छोड़ दो, लिमिटिंग के साथ बाकी क्या, बाकी सब कैसा लिंक होगा उसको आपको देखना है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे यहां देख, इस प्रोसेस में देखोगे आप लोग, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपको यहाँ देखो रिलेशन देखो, अगर हम लिमिटिंग पता कर ली, इंजन में लिमिटिंग है तो एक इंजन से एक कार बनता है, तो 100 इंजन से कितना कार बनेगा, तो 100 इंजन से 100 कार बनेगा, ठीक है। सिमिलरली एक इंजन एक बॉडी के साथ कंबाइन करता है, तो 100 इंजन कितने बॉडी से कंबाइन करेगा, तो 100 कंबाइन करेगा 100 बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी कितना बचेगा, तो बॉडी 50 बचेगा, क्योंकि 100 तो कंबाइन कर चुका है ना, और इंजन चूंकि 100 का 100 कंज्यूम हो गया, तो इंजन बचेगा कितना, 0 बचेगा, यानी इंजन फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, इंजन फुल्ली कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग जो होता है फुल्ली खत्म हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और बात करते हैं पहिया के साथ, यानी व्हील्स के साथ रिलेशन देखोगे, तो एक इंजन के लिए 4 पहिया चाहिए, एक इंजन के लिए 4 पहिया चाहिए, तो 100 इंजन के लिए कितना पहिया चाहिए, 400 चाहिए, आपका 400 पहिया कंज्यूम होगा प्रोसेस में, 400 पहिया कंज्यूम हो जाएगा प्रोसेस में कार बनाने में, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 600 पहिया आपके पास बचेगा, आपके पास 600 पहिया बचेगा, ये आपका इस तरह सोचना है। तो इस प्रोसेस में देखोगे, तो इंजन लिमिटिंग था, उसका अमाउंट बचेगा 0, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, तो व्हील्स एक्सेस में था, व्हील्स कितना एक्सेस में था, 600 एक्सेस में, और बॉडी कितना एक्सेस में, 50 एक्सेस में, ठीक है, और कार कितना बना, कार 100 बना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके लिमिटिंग रिएजेंट पे कैलकुलेशन से करना आपको, यानी लिमिटिंग का प्रॉब्लम को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे इसका एक मोल है और इसका एक मोल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि लिमिटिंग फाइंड करना आपको, लिमिटिंग फाइंड करना है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो फाइंड कितना आपका जो रिएक्टेंट है एक्सेस बचेगा, ठीक है, ऑल्सो फाइंड एक्सेस रिएजेंट एंड इट्स अमाउंट, एक्सेस रिएजेंट एंड इट्स अमाउंट, एंड इट्स अमाउंट लेफ्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट मेरे को बताओ बच्चे लोग, आप लोग, तो बच्चा इस लोग इस प्रॉब्लम में पहले आपको स्टेप में क्या करना है, तो पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो चलो मैं इसका समय बना देता हूँ, S2 है प्लस O2 है किप्स S2 है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखो इसका। तो बैलेंस इक्वेशन अभी तक नहीं है, तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए क्या होगा, तो बैलेंस इक्वेशन करने दो तरीका क्या है कि इसमें आप 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, एक तरीका यह होगा, ठीक है। तो इसको पहले निकाल के देखते हैं, तो आपका गिवन क्या दिया हुआ, तो गिवन आपका एक दिया हुआ था, एक दिया हुआ है। अब ध्यान देना, हम क्या बोले थे, लिमिटिंग फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो हाइड्रोजन कोएफिशिएंट 2 है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। और ऑक्सीजन कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1/1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो छोटा क्या होगा, तो छोटा आपका होगा हाइड्रोजन, यानी आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब जो डिवीजन किए हैं उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, डिवीजन करने का बस लॉजिक होता है लिमिटिंग फाइंड करने का, ठीक। अब ध्यान देना, अब क्या सोचोगे आप कि आपके पास हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब देखो हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, अगर हाइड्रोजन अगर 2 था तो वाटर कितना बनता है, 2 बनता है, तो हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो वाटर भी कितना बनेगा, वाटर आपका 1 बनेगा, तो वाटर का 1 मोल क्रिएट होगा प्रोसेस में, ठीक। अब ध्यान दे, चूंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ध्यान देना, अगर मान ले कि 2 हाइड्रोजन अगर बांध देते हैं ऑक्सीजन से, कैसे रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन से अगर लिंक करेंगे तो 2 ऑक्सीजन, देखो बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट को आप चेक करना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसका मतलब अगर आपके पास 1 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा, तो हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। आपके पास ऑक्सीजन दिया कितना हुआ था, तो ऑक्सीजन आपके पास हाफ दिया, 1 दिया हुआ था, तो 1 में से हाफ रिएक्ट करेगा, यानी हाफ माइनस हो जाएगा,
ऑक्सीजन कितना बचेगा, तो ऑक्सीजन हाफ बचेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट हाफ मोल बचेगा प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, यानी आपका हाइड्रोजन का लिमिटिंग उसका अमाउंट बचेगा जीरो, वाटर का एक मोल बना, वाटर का एक मोल बना, चेक। और ऑक्सीजन का, चूंकि ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, तो ऑक्सीजन आपके पास क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, तो इसका अमाउंट कितना बचेगा, एक पास एक्सेस रिएजेंट है तो इसका अमाउंट कितना बचेगा सिस्टम में, तो आफ्टर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन इसका अमाउंट बचेगा हाफ मोल बचेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, जब आप लिमिटिंग फाइंड करते हो डिवाइड डिवीजन के बाद, तो उसको फिर भूल जाना है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं उसके बैलेंस इक्वेशन कोएफिशिएंट से, तो उसके बाद जो नंबर आता है उसको बस लिमिटिंग पता करने के लिए बस काम करना, उसके बाद उसको देख, उसको दिमाग में लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको मैं रब कर दे रहा हूँ कि इसका कोई नीड नहीं था, बस लिमिटिंग फाइंड करने के लिए बस इसका नीड था मेरे को, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे मान लिया हुआ है N2 है, ठीक है, N2 plus H2 gives अमोनिया, gives अमोनिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, हम बोल रहे हैं कि N2 का दिया हुआ मेरे को 56 ग्राम, कितना दिया हुआ, 56 ग्राम दिया हुआ है, और H2 का 10 ग्राम दिया हुआ है, H2 का 10 ग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से क्या है, तो क्वेश्चन फिर से बोला गया है, फाइंड लिमिटिंग एंड फाइंड लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एंड एंड ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया प्रोड्यूस, ठीक। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस को बनाते कैसे हैं, तो इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैं अभी मैं ट्राई कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में पहला क्या काम करना, चलो तो फर्स्ट क्या काम करना कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखो, उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन, इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो बैलेंस इक्वेशन मस्ट है, बैलेंस इक्वेशन पहले करो आप। तो बैलेंस इक्वेशन क्या दिया, क्या होगा बच्चों हमारे पास, तो क्या होगा, N2 plus 3H2 gives 2NH3, gives 2NH3, तो अगर आपके पास बैलेंस इक्वेशन। अगला स्टेप क्या होगा, जो आपका N2 और H2 है उसका आपको ग्राम दिया हुआ था, तो हम क्या बोले हैं, ग्राम में तो काम करना नहीं है, ग्राम में तो काम करना नहीं है, वो क्या करना है, हमको मोल निकालना पड़ेगा, हमको नंबर चाहिए, हम बात कर चुके हैं ना कि इसका हमको नंबर चाहिए यानी मोल चाहिए, इसका मोल के साथ काम करेंगे। तो आपको पता है कि N2 का मोलर मास कितना होता है, 28, N2 का मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास होगा, मोलर मास होगा 28। तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको मोल मिल जाएगा। और हाइड्रोजन का मोल, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है बच्चे लोग, इसका मोलर मास होता है आपके पास 2 ग्राम, इसका होता है क्या बच्चे लोग, 2 ग्राम। तो फिर से क्या होगा, जो गिवन वेट है उसको डिवाइड कर देंगे उसका मोलर मास है, तो आपको नंबर मिल जाएगा यानी मोल मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या चाहिए हमको, अगले स्टेप में हम सबको मोल चाहिए, तो N2 का मोल कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, तो N2 का वेट कितना दिया था, 56, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 56 बाय 28, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका 2 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे लोग, इसका 2 मोल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 2 मोल। अब देखो हाइड्रोजन का कितना मोल होगा, तो हाइड्रोजन का मोल क्या होगा, 10 बाई 2, 10 ग्राम बाई 2 ग्राम, तो क्या होगा आंसर आपके पास, इसका 5 मोल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। तो आपके पास मोल मिल गया, इन नंबर मिल गया। अगला पॉइंट है लिमिटिंग पता करना, अगला पॉइंट है लिमिटिंग पता करना, लिमिटिंग पता करने क्या क्या मैं बोला हूं? आप डिवाइड क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे इससे, तो बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे, तो बैलेंस कोएफिशिएंट क्या है, N2 का 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 2 बाई 1, और H2 में क्या है, H2 का 3 है, तो क्या होगा, 5 बाई 3। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो छोटा कौन होगा, 2 बाई 1 मतलब 2, और 5 बाई 3 है, तो 5 बाई 3 क्या है, 2 से थोड़ा छोटा है, यानी इसमें लार्जर कौन हो गया, तो 2 लार्जर हो गया और ये छोटा हो गया, ये स्मॉल हो गया, 5 बाई 3 क्या हो, स्मॉल हो गया। इसका मतलब इतना करने का मतलब क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग है, हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग है,
एस टू एच लिमिटिंग। तो ये पता कर लिए। अब नीचे का डाटा से मेरे को मतलब नहीं है तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इतना करने का बस मोटो था लिमिटिंग पता करना, लिमिटिंग हम पता कर लिए। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो तीन हाइड्रोजन से दो अमोनिया बनता है। तो तीन हाइड्रोजन से दो अमोनिया बने तो एक हाइड्रोजन से कितना बनेगा, एक हाइड्रोजन से बनेगा 2/3। तो पांच से कितना बनेगा, देखो तीन से बनता है दो, तो एक से बनेगा कितना, एक से बनेगा 2/3। तो पांच से कितना बनेगा 10/3। आपका अमोनिया प्रोड्यूस होगा 10/3 मोल। सिंपल यूनिटरी मेथड। तीन हाइड्रोजन, देखो बैलेंस इक्वेशन में क्या बता रहा है कि तीन हाइड्रोजन होता तो दो अमोनिया बनता। इसका मतलब तीन से दो बन रहा है, एक से कितना बनता, तो एक से बनता 2/3। तो आपके पास दिया कितना हो, दिया हो पांच, तो पांच से कितना बनेगा, तो पांच से बनेगा 2/3 × 5, तो क्या होगा 10/3। 10/3 मोल मिल गया अमोनिया का। और हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन होगा 0, हाइड्रोजन खत्म हो चुका होगा, लिमिटिंग है तो खत्म हो जाएगा, फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा प्रोसेस में। अब नाइट्रोजन से अगर कम, नाइट्रोजन से सोचते हो तो नाइट्रोजन से ध्यान देना, आपको तीन तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से क्लब करता है, यानी तीन हाइड्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन कितना होगा, एक यूज करेगा। तो अगर हाइड्रोजन एक होता तो नाइट्रोजन कितना होता 1/3। और नाइट्रोजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, पांच है, तो पांच रहेगा तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा, तो नाइट्रोजन यूज होगा आपका कितना होगा 5/3, यानी 5/3 नाइट्रोजन यूज होगा। तो आपके पास नाइट्रोजन दो मोल था, दो मोल से 5/3 यूज होगा, 5/3 आपका यूज हो चुका होगा। अगर 5/3 यूज होगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा इसका माइनस कर ले तो 2 - 5/3 यानी क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, 6 - 5 क्या होगा 1/3, इतना मोल आपका नाइट्रोजन बचेगा, ये नाइट्रोजन बचेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इतना बचेगा लेफ्ट होगा और अमोनिया इतना बनेगा, अमोनिया आपका इतना बनेगा, ठीक है। ये हो गया अमोनिया का अमाउंट 10/3 मोल, नाइट्रोजन जितना बचेगा होगा 1/3 मोल, और हाइड्रोजन फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नहीं अमोनिया का मेरे को वेट बताओ, अमोनिया का कितना वेट बनेगा वो बताना आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अमोनिया का आप मोल निकाल चुके हो तो वेट ऑफ अमोनिया का बात करेंगे। सिंपली क्या करना है कि मोल को मल्टीप्लाई कर देना किससे, मोलर मास से। और अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, चलो अमोनिया का मोलर मास होगा 17 × 7 कर दे, यानी क्या हो जाएगा, जो वेट होगा वो जाएगा 170/3 ग्राम, इतना आपका अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इस तरह से आप लिमिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना है। H2SO4 है प्लस NaOH है, ठीक है। इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास H2SO4 दिया हुआ है 49 ग्राम और NaOH दिया हुआ है 20 ग्राम, आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है। और आपको और भी बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका कितना अमाउंट फॉर्म करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो।